बच्चों शब्दार्थ है मोल यानी मूल्य, तरवार यानी तलवार, उल्टर पलटकर जवाब में, फिर घूमना, निंदिए निंदा करना यानी बुराई करना, आलोचना करना, पांव यानी पांव पैर, तली नीचे, तल सबसे निचला हिस्सा, डाल दे त्याग दे, शीतल शीतल ठंडा, कोल कोई। तो बच्चों इस तरह से कवि की साखियां, इसमें जो भी द्वय थे उन सबकी आपको संदर्भ से व्याख्या बता दी गई है और ये शब्दार्थ हैं। अब आइए देखते हैं अभ्यास के प्रश्न। बच्चों प्रश्न में रहेगा तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं, उक्त उदाहरण से कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं स्पष्ट कीजिए। तो आप लिखेंगे तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं, इस उदाहरण के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हमें मुख्य रूप से उस वस्तु की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए जिसका कोई महत्व होता है। जिस प्रकार तलवार के समक्ष म्यान का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि जब भी तलवार खरीदी जाती है तो उसकी धार देखी जाती है न कि म्यान। ठीक वैसे ही साधु संतोष के ज्ञान की महत्ता होती है, उनके जातीय स्वरूप को जानने की इच्छा करना व्यर्थ है। अर्थात मनुष्य का भला ज्ञान उन बातों से होता है, जाति संबंधी बातों से नहीं। पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है मनवा तो चौदसी फिरे, यह तो सुमरण नाही के द्वारा कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं। तो आप लिखेंगे मनवा तो चौदसी फिरे, यह तो सुमरण नाही के द्वारा कबीरदास जी आडंबर को, मतलब जो दिखावे की भक्ति होती है, दिखावे की भक्ति करने वालों पर करारा प्रहार किया है। कवि का कहना है कि हमारा मन दसों दिशाओं में घूम रहा है, अर्थात मन में भक्ति रमने के बजाय इधर उधर भटकता हुआ बेकार की बातें सोचता रहे, तो ऐसी भक्ति का कोई लाभ नहीं है। अतः ईश्वर की सच्ची भक्ति करने के लिए मन को केंद्रित करना आवश्यक है। प्रश्न नंबर 3, कबीरदास जी घास की निंदा करने से मना करते हैं क्योंकि भले ही पांव तले रौंदी जाने वाली घास निर्बल होती है, लेकिन उसका कोई तिनका आंख में पड़ जाए तो अत्यधिक कष्टकारी होता है। कबीर के कहने का तात्पर्य है कि किसी मनुष्य को कभी छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए, वो भी शक्ति पाकर हमें कष्ट पहुंचा सकता है। प्रश्न नंबर 4, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं, यह बात कबीर जी निम्नलिखित साखी में स्पष्ट करते हैं। आपको यह दोहा लिख देना, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल हो, या आपा को डाली दे दया करे सबको। ठीक है बच्चों, इस तरह से यह पाठ आपका समाप्त हो गया और आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।